पढ़ने वाले हैं हम। तो मेन रिपोर्टिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहाँ लोकेट हुआ होता है? तो बेटा पैल्विक रीजन। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेट हुई थी, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैल्विक रीजन में लोकेशन है उसका, राइट। उसमें बहुत सारे ऑर्गन है, उसमें मेन जो ऑर्गन है दैट इज वन पेयर ऑफ ओवरी, राइट, विच है ओवल शेप। ओवल शेप की जो ओवरी है वो दो होती है, राइट। दूसरा एसेसरी डक। एसेसरी डक में हम बात करें तो ओवी डक, राइट, दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्वाइक्स, यूट्रस, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड यूट्रस, सर्विक्स। यूट्रस की जो आगे का पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। देन ओविडक, ओविडक ये जो है ओविडक है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलेंगे, राइट। देन वजाइना एंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। एंड देन एक्सटर्नल जेनिटालियल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटालियल ऑर्गन में ल्यूमिन आएगा, देन क्लिटोरियस आएगी, लाइक लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वो सब हम ऑर्गन पढ़ेंगे, राइट। देन एसेसरी ग्लैंड, वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, राइट, वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एक्ट एज ए एसेसरी ग्लैंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद उसका डिटेल में हम देखेंगे पोर्शन। दैट इज द यूट्रस एंड दिस ल्यूमिन, दैट इज कॉल्ड यूटेरिन कैविटी, राइट। यूट्रस हैव थ्री लेयर, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड पेरिमेट्रियम, मिडल लेयर दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, राइट। जब इम्प्लांटेशन होता है कोई भी एम्ब्रियो का या फिर जायगोट का तो ये एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में ये देखेंगे कैसे होता है, राइट। और जो ओवरी होती है वो ओवरी, हरेक ओवरी यूट्रस की वॉल के साथ लिगामेंट टू बाइंड होती है, राइट। मींस के दूसरा कि ये जो ओवरी है, ओवरी के बाद ओव्यूलेशन होता है जब आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओव्यूलेशन के ड्यूरिंग जो ओवम रिलीज होता है वो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फिमरी उसको कलेक्ट करने में हेल्प करती है, राइट। एंड ये जो फलेले शेप वाला स्ट्रक्चर है ओविडे का आगे का पोर्शन दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, राइट। जो लार्ज पोर्शन है ओविडे का फैलोपियन ट्यूब का दैट इज कॉल्ड एम्बुलर एंड स्मॉल पोर्शन है ल्यूमिन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड इक्मस, राइट। तो तीनों की कंबाइन होंगे, इनफंडिबुलम, एम्बुलर एंड इक्मस कंबाइन होंगे क्या करती है ओविडम और बिगेन से फैलोपियन ट्यूब, राइट। अब हम डिटेल में यहाँ जो लिखा है वो हम देखेंगे। ये मैंने शॉर्ट में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया। लोकेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कहाँ है? इन द पेल्विक रीजन। ऑर्गन्स थ्री टाइप्स के ऑर्गन है, मेन ऑर्गन, वन पेयर ऑफ ओवरी, एसेसरी डक, ओवी डक, यूट्रस, सर्वाइक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया, राइट। एक्सटर्नल जेनिटालिया एंड मेमोरी ग्लैंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे वन बाय वन सभी ऑर्गन के बारे में। ओवरी, ओवरी का लोकेशन लोकेटेड वन और ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, मींस के हमारा जो एब्डोमेन है उसके लोअर साइड एक एक दोनों की तरफ हमारी लेटरल साइड लोकेशन उसका है। विच इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, मींस के जहां पेल्विक रीजन वहां पेल्विक वॉल होगी, एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ये याद रखना है, ईच ओवरी कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। मैंने जो भी अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा है वो आपको सबको लिखना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़े उसमें भी आपको ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। देन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ द ईच ओवरी, ये जो ओवरी है वहां से पेरिफेरल रीजन में एक्सटेंड होगा कब तक? यूट्रस तक, राइट। तो यहाँ लिखा है एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस व्हिच हैव 10 टू 12 सेंटीमीटर लेंथ। ओवरी की लेंथ कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ है, बट फैलोपियन ट्यूब की कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, राइट। देन हम बात करेंगे इनफंडिबुलम।
उसका इम्पोर्टेंस भी है, राइट? उसके बारे में और मेमोरी